लड़के वाले करेक्टर में भी बिल्कुल घुस गई थी, बहुत जबरदस्त वो भी इन्होंने करेक्टर अदा किया है। हे यूरिच, दिस साइड रवीना, बेसिकली फ्रॉम हरियाणा इंडिया। और आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप बहुत ही अच्छी रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। आप सबकी स्माइल इतनी प्यारी है, यू ऑल हैव सच अ स्वीट स्माइल कि मतलब दिल खुश हो जाता है वीडियोस देख के। और मैं 3 दिन से आपका चैनल फॉलो कर रही हूँ और मतलब आप यकीन नहीं करोगे, 3 दिन में पागलों की तरह बस वीडियोज़ ही देख रही हूँ और कुछ यूट्यूब पर खुल ही नहीं रहा सिवाय आपकी वीडियोज़ देखने के। सो आई एम जस्ट इन लव विद योर वीडियोज़। मैं चाहती हूँ कि आप रिएक्ट करो, राखी लोचा नाम की एक आर्टिस्ट हैं जो कि मतलब फ़नी वीडियोस हरियाणा से रिलेटेड जो है बनाते हैं, हरियाणा की आर्टिस्ट हैं वो। तो उनकी एक वीडियो है फाइट्स ऑफ हरियाणवी पीपल, जिसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा के लोग किन सिली बातों पे लड़ते हैं। दिस इज़ क्वाइट फ़नी, बट हाँ दिस इज़ ट्रूथ एज़ वेल कि गाँव में तो होता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप उस वीडियो पर भी रिएक्ट करो, दैट मैं आपको उसका लिंक नीचे भेज रही हूँ। एंड द वीडियो इज फाइट्स ऑफ हरियाणवी पीपल बाय राखी लोचब। थैंक यू सो मच रवीना, इतना अच्छा हमारे लिए बोलने के लिए। हमारा वही दिल खुश हो गया जब हम आपका वॉइस नोट सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अपने लिए जब तारीफ सुनते हैं ना, बड़ी खुशी होती है, वही हमारा एनर्जी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। तो थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर कोई गर्ल वीडियो नहीं भेज सकती तो ऐसे ही आप वॉइस नोट भेज दिया करो, हम उस पर हम वीडियो बना लेंगे। क्योंकि भाई ये कमेंट्स हम नहीं पढ़ते, क्योंकि कमेंट्स हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं, इसी वजह से हम कमेंट्स नहीं पढ़ते। और अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, वहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं सेव कर लूँगी, आपकी वीडियो होगी या वॉइस नोट होगा। गर्ल होगी तो वॉइस नोट और बॉयज होंगे तो भाई वीडियो रिक्वेस्ट। तो आप बोल रही है कि फाइट्स ऑफ हरियाणी पीपल, इन पे रिएक्ट करो। हाँ, और किसकी है? राखी लोचब की। तो देखते हैं कि कैसी होगी वीडियो, वैसे हमें भी ऐसी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं फाइट्स ऑफ हरियाणी पीपल बगैर टाइमलेस की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। संगीता, ए संगीता। हाँ बेबे गुड्डी, आए तने कति शर्म नहीं आती? तू मारे घर के बाहर रहो, जो कूड़ा गेर गेर चली जा। ना जी जी, मैंने तो ना गेरिया, हवा चली होगी ना, जब उड़का आ गया होगा। ए क्यों झूठ बोल रहा है तू, मैंने तेरा सारा बेरा है। जब कूड़े वाली गाड़ी आवे, जब तो तू रजाई में पड़ी रहे, और फिर बाद में दूसरे के घर के बाहर कूड़ा गेरती अंडे जागी। जी जी गणिता बोल रहा मत, और चुपचाप अपने घर चली जा, क्यों मेरी शर्म खुलवावे है? तेरी भी के शर्म खुलवाऊंगी मैं, तू तो सह बे शर्म, तू होगी बे शर्म, बे आया बे सूरी, और तू से बदमाश, तेरा सारे गांव ने बेरा है। ठीक, तेरी जी से खूब देखी मैंने और खूब सीधी करी है, डरती कौन है, मैं डरता है कदे, तू समझती हो? देख कितनी बोल रहा है, देख लो गांव वालों, देख लो, आ जाओ, भलाई का जमाना ना रहा। भूल गई है गुड्डी तू, जब थारा घर बनया करता, तेरे बालक मारे घर लैटरिंग हो जाया करते हैं। हाँ तो कुछ लिया तो कोन्या दिया होगा, तुम्हारे घर जो रोज सब्जी मांगन खड़ी रहे उसका के? आई है तू सब्जी मांगन, मेरी भैंस भी मैं दूंगी तने। हाँ मत दिए, हम तो चार गल खा लेंगे, देखी ना इसी रानी की तेकी, चल तू। हाँ जाऊं सू, मन्ने भी कोई शौक ना से तेरा सिंगाड़े जी समूह देखने का, समझ गई? हाँ चल चल, हाँ चल चल, आगे तो कूड़ा गेर का दिखाई है तू, मेरी भाभी ने बीच में तो पाड़ का सुखा दूंगी। क्यों करा भाई तू फोन भाई? हो भाई मैल बैट पे बैटिंग करने लग रहा हूँ। मैल बैट यो क्यों है भाई? मेल बैट एक बैटिंग वेबसाइट है जिसमें हम किसी भी खेल पर बैटिंग कर सके, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, और इसमें हम अपने खेल की नॉलेज से लाखों रुपए कमा सके। अच्छा रहे। हाँ, अगर तू इसको अभी रजिस्टर करेगा और प्रोमो कोड यूज करेगा RAKHI, तो तेरे को 100% बोनस अप टू ₹10,000 ऑन फर्स्ट डिपॉजिट, और इसमें हम सभी मैच लाइव देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अच्छा रहे, ईप ग्रामर ने डाउनलोड कर ले भाई। हाँ भाई, अच्छा रहे। चल 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 च
झाड़ू देगे हम वही मैं भी झाड़ू देगा हूँ भाई तेरे काम का हूँ मैं अरे ये टीवी का रिमोट की था भाई टीवी का रिमोट की था ओ हेलो भगवान टीवी का रिमोट बता दे तेरे तबू जूहू मैं अरे तू तो कती है बेकूब मानगी बोलती होता मन्ने नहीं बेरा टीवी का रिमोट की था मन्ने माफ कर फिर किसने बेरा है उल्लू की बहुत तबूज का हूँ किसे तबूज मेरे तो मत पूछ अरे बता दे तू क्यों ये नौटंकी कर रही है वे मेरे सारे समाचार लेकर जाएंगे जब मैंने कह दी मेरे दौरे नहीं है मन्ने नहीं बेरा कित लाऊ मैं कित लाऊ अरे मान जा तने सारा बेरा है तेरे घर के आ जा उनके आ गई इसी कुदी कुदी अंडगी और सारी चीज ना बाज बाज काट के ले आऊ मेरे घर क्या के बारे में नहीं कह देगा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकू हूँ पर अपने घर क्या की बात नहीं सुनूंगी हर बात में तू मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के मन्ने क्या मेरा तेरे रिमोट का किट है रात रात तू पड़ा था जब तक देखा होगा कदन के कच्चे बता दो कदन के तौलिए बता दो मैं भी इंसान हूँ मेरे भी जी है मशीन कौन है मैं ठीक दो घड़ी बैठी थी मूंगफली खान न्यू नी मूंगफली खा लेने दे कदे तू कदे तेरे बाक आ जाओ खून पी लो मेरा ठीक इंजेक्शन तक काट लो के गिलास पी लो बीमारा सह रह रहा है सारा चूस लिया तुमने कदे न रोटी चाहिए कदे न परांठे चाहिए अरे जाके मैं न गाजर पाक चाहिए कल दो घंटे मैंने बैठ के चूल्हे के आगे नू चम्मच लाई है मेरी सारी जवानी लिकट गई कदे फिल्म दिखान ले गया हो कदे खाना है खवान ले गया हो मेरी सारी सहेली जावा है पर तू नुकाऊगा मेरा शर्म आवा है इस तो इन बातों में शर्म आवा है इन्हें रिमोट मांगते ना शर्म ना आती इन्हें कच्चे मांगते ना शर्म ना आती और फिर मेरे पर नाम टेका तने करया के है करके देख एक दिन मेरे जितना काम जब तने मेरा पटेगा मेरा दर्द बेरा ना मेरे घर के ने मैं कित ब्याह दी ना तो मैं कितने राजा महाराजा का जान जोगी थी ना मेरे भी कति कर्म फोड़ दिए यो देख ले इसका ब्याही हूँ इसके अपने घर तक जमाई थी ना इसी तगड़ी थी गांव में रुका था किसी का एक डंडा मार दिया करती ना लील पड़ जाया करता रीब ये पैया के आड़ रह रहे है मेरे नौकर हूँ ना मैं इस घर की लौट जाओ तुम थारे पा दबा दूंगी थारा सिर दबा दूंगी थारे हाथ दबा दूंगी जी तो ऐसा करा थारा गला दबा दू खांसी भी उठ गई मेरा अस्थमा की बीमारी होने हो रही है पर किसी ने कोई परवाह कर मेरे तो खबरदार रिमोट बूझ लिया था चलिया जी अड़े थे दो घड़ी मैंने मूंगफली खा लड़ दे भाई मेरे तो गलती होगी मैं अपने आप ढूंढ लूंगा रिमोट क्या ती रोवे है बेटा तू तेरी दादी रही तू क्या न खाया है ए मेरा पत्ता तू रोवे ना जब मेरा कर्जा फटका आवे ए राम जी मत रोवे बेटा ए संतरो मार ले कण जीजी किसने मारे हैं बेटा नू बता पहला रो मन्ना तू रोवा मन्ना ही बाद में रो ये तू घर आ जा कई बार बता मने किसने मारे हैं ए संतरो तेरा ये पोता सयो देख ले ये अपने पोते ने डांट ले संतरो लेर मारे पोते का मारे बढ़िया बड़ बढ़िया बड़ बहुत मन्ना ता होया था जीजी यो लेर तुम इसको मार दे हो दूसरी बार मार लिए मर मर बर्दाश्त ना करू जीजी पहला तेरा छोरा जीजी इसके पापा का मारा करता ई भी तेरा पोता मारने लग गया और खैर चल वो थाए पेटन का जीजी हम पूरी जिंदगी पेटे जाएंगे के हमने पेटन दी पैदा ना करे बालक ठीक बेबे मारन ना तो यो भी मार सका है पर हमने अपने बालक ते शिक्षा ना दी अग दूसरा का मारो लेकिन ई भी दूंगी ठीक अग बेटा पहला तो लड़िए मत और जे कोई हाथ ला दे फिर छोड़िए मत हाँ बेटा कती दादी पोता बिछा देंगे सब क्या है ना रोइये मन्ना रीब बता दी है इका स्कूल में बीमार है ट्यूशन में बीमार है कदे के फूटे ले ले कदे के प्रकार ले ले कदे की ज्योमेट्री तोड़ दे एक दिन तो इसके प्रकार थे इके बैग में और बड़ा कट्टा कर रखा वो तो ही ना बताई अगले संतरों के पोते ने करया है मैं फिर भी ना आई मैं कल कोई बात ना पर आज नहीं डटा गया जीजी मेरे तो आज मैं खून क्या सुन रही हूँ मैंने बहुत प्यारा लगा अपना पोता मेरे से कितना ही मुंडा हो इसके हैप्पी बर्थडे पाया जीजी इतना तक केक खा गया इतने रसगुल्ले खा और दो किलो गोज में टॉफी भर ली मगा चल ले जा कोई बात ना फिर जीजी मैंने देखा कूड़ में लाग मारे छोरे ने पिटल लाग रहा ये कौन सा इंसाफ होया ये अरे संतरो ईब की बार तो मैं आईसू अगली बारी का दद्दा आओगा और बता दू तो ना बात ईब तो बालका की लड़ाई से फिर ये खानदानी हो जाएगी चल बेटा जब कूड़े वाली गड्डी आवे जब तो तू रजाई में पड़ी रहे और फिर पक्कल बल्ली कल लेगी चलो जब कूड़े वाली गाड़ी आवे जब तक तू रजाइया में पड़ी रहे
और उके बाद उकूडे ने ठट्टा सब के करा दे लू फेके जागी के यार यो और तू से बदमाश तेरे जिसी खूब देखी है मैंने समझ गई ऊपर तक गलती करे और नीचे देखो देख लो गांव वाले देख लो आ जाओ थोड़ा बहुत रह रहा कर लो इंजेक्शन मत और पी लो सारा चूस लिया जब अपने घर ताई थी ना इतनी हेलो हाँ भाई वो तेरी गई भाई अम्मी भाई भाई मुन चल चल लालास लालास ये लालास ना आसना हाँ भाई अरे उस सादी भाई 5 मिनट में तेरा भाई बैठा सुन मोरे की यार ये क्यों कर रहे हो आसन दे चल 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 इस पास है शायद इस पास यार काफी फनी वीडियो थी, बहुत जबरदस्त वीडियो थी भाई। और जब जब वो हस्बैंड वाइफ वाला आया और जब वो हस्बैंड अपनी वाइफ पे चीख रहा था और वाइफ जो बिल्कुल शरीफों की तरह जवाब नहीं दे रही थी, मूंगफली खा रही थी, मुझे पता था ये इसको गुस्सा दिलाएगा और शुरू हो गई ना फिर चुप नहीं होने वाली। ये मैंने पहले बोला देखना अभी ये शुरू हो जाएगी भाई। ये इन्होंने तो लिखा है कि फाइट्स ऑफ हरियाणवी पीपल, लेकिन ये आजकल हर घर की कहानी है। हाँ। जो भी इसमें दिखाया है ये हर घर की कहानी। हाँ। है एक तो हस्बैंड वाइफ वाली, ये हस्बैंड वाइफ वाली जो कहानी है ये मतलब बहन भाइयों की भी है। मैं देख रही थी वीडियो तो मुझे अपनी स्टोरी याद आ रही थी क्योंकि भाई ये 3 मेरे भाई हैं। सही है, कोई यहाँ से आएगा ये चीज कहाँ है मेरी, कभी यहाँ से आएगा ये मेरी चीज कहाँ, यहाँ से आएगा ये मेरी चीज कहाँ, तो मैं पहले तो सुनती हूँ फिर जब मुझे गुस्सा आता है फिर ऐसे ही चीखने शुरू हो जाती है जैसे उसकी वाइफ चीख रही थी। और दूसरा ये कि जब हम पूरा घर एक चीज एक की होती है बाइक की कीज है जैसे पूरा घर ढूंढेंगे हम बोलेंगे यार कहाँ है कहाँ है, पूरा घर ढूंढेंगे हर चीज उथल पुथल कर देंगे लेकिन कहीं नहीं मिलेगा। इसको बोलेंगे यार चाबी कहाँ रखी है, ये जाएगी एक जगह से उठा के ये लो चाबी। हाँ। हम बोलेंगे यार हम कब से ढूंढ रहे हैं, बता दो चाबी यहाँ पे रखी है तो हम उठा लेते वहां से। और इतने मतलब इनकी आंखें बंद, आंखें हैं ही नहीं, जैसे सामने पड़ी होगी मैं बोलूंगी वो पड़ी हुई है सामने तो वहां पे हाथ लगा के नहीं है ही नहीं अब मैं उठा के ये क्या है भाई ये काम होते हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, हंस हंस के पागल हो गए भाई। हाँ। बहुत अच्छा लगा और लड़की की जो एक्टिंग थी तबाहीदार एक्टिंग थी। ब्लूपर्स भी बहुत थे भाई। हाँ। मजा आ गया ब्लूपर्स तो खास तौर पे। हाँ। और भाई जो डायलॉग्स थे भाई बहुत मेहनत की आपने, मानना पड़ेगा भाई। हाँ यार क्या बात है, बहुत आला मतलब इन्होंने काफी वहां में आता यार, बहुत अच्छा लगा यार। हाँ। काफी अच्छी लगी। एक तो वो लड़के वाला सीन, लड़के वाले करेक्टर में भी बिल्कुल घुस गई थी, बहुत जबरदस्त वो भी इन्होंने करेक्टर अदा किया है। तेरा भाई बैठा है इधर। हाँ। वो जबरदस्त था, हम पहली बार इनकी वीडियो देख रहे हैं, ये फर्स्ट थी हमारी, बहुत अच्छी लगी। हाँ। और इनकी जो हरियाणवी बोलने का तरीका था ना यार बहुत अच्छा था यार। हमें ऐसी वीडियोस दिखाया करें ताकि हमें हरियाणवी भी आ जाए बोलना। हाँ। क्योंकि सॉन्ग्स में जल्दी जल्दी चला जाता है तो हमें समझ नहीं आती कि कौन सा लफ्ज हम कैच करें पकड़े। हाँ। बोलना सीखें, अभी इसमें हमने बहुत सारे वर्ड सीख लिए। तो ये औरतों वाला था कि लड़ाकू आंटीज, ये तो भाई ये हमारे घर में नहीं है। मेरी मॉम और नीरज ये दोनों कहती हैं कि झगड़े से हमने दूर रहना है। कोई एंटी आ रही है दरवाजे पे झगड़ा करने, दरवाजा बंद। वो बेशक बात चीखती रहे जवाब नहीं दे, झगड़े से दूर रहना है। हाँ, कौन अपना सर पीटे उनके साथ। बिल्कुल यही है ना भाई, अभी कोई गैर आ रही है चीख रही है तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम भी उसी की तरह चीखने शुरू हो जाए। खैर ये ऐसा होता है जैसे इन्होंने वीडियो में दिखाया, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो ये बर्दाश्त पे होता है, किसी में बर्दाश्त होती है किसी में नहीं होती, वो फिर चीखने शुरू हो जाता है। हमें लेकिन पेरेंट्स ने यही सिखाया कि बर्दाश्त करो बेशक अगला जो भी बोले आप। बाकी ये है कि हमारे घर के जो मेंबर हैं वो काफी निखट्टू हैं। अभी मामा ये सोचती है अगर कोई आंटी आ रही है तो यार मैं इनसे अभी झगड़ा करूं मेरा गला सूख जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। मैं क्यों फजूल में झगड़ा करूं, छोड़ जाने दो। किसी ना किसी तरीके से ना टाल देती है मामा। लेकिन दूसरों के मामले में बर्दाश्त कर लेंगे भाई। हाँ। अगर ये कुछ करेगा मस्ती करेगा कोई और भाई करेगा फिर नहीं भाई बर्दाश्त हो पा फिर तो भाई चीखना ही चीखना है। किस पे? तुम पे? हाँ। ये तो गलत बात है ना, देखो यार औरों पे नहीं चीखेंगे हम पे चीखेंगे। नहीं भाई ऐसे हर लिहाज से बोलते हैं कि हम मर्द भाई अक्लमंद है और एक छोटी सी चीज ना ढूंढ पाए तो फिर कहाँ की अक्ल। हाँ ये सोचने वाली बात है ना, कहाँ की अक्ल। फिर गाइस आप मुझे एक बात बताओ,
खजाना किसी ने छुपाया और कोई ढूंढे कैसे कैसे हो सकता है। जो इसने चीज रखी यही ढूंढ के देगी ना कि हाँ यहाँ पे पड़ी है ये लो, या फिर हम जो ढूंढते फिरे हमें मिले ही नहीं, फायदा क्या उसका। बाद में यही उठा के देती है, फायदा क्या हमारा ढूंढने का, फायदा क्या इसका चीखने का, हमारा चिल्लाने का फायदा क्या, ढूंढ के तो यही देती है हमें। तो बीच का जो टाइम है ना वो इसकी वजह से बर्बाद हो जाता है। मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से। इसकी वजह से, इसकी वजह से। गाइस ये लड़ाई चलती रहेगी, तो हमें तो वीडियो काफी पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज तुम्हारी गलती है।